सोयाबीन, टमाटर, बॉयल आलू और प्याज। तो मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। यहाँ पर कढ़ाई पे मैंने तेल गरम करके रखा हुआ है सोयाबीन को फ्राई करने के लिए। सोयाबीन को अच्छी तरह से फ्राई भून लेंगे। भूनने के बाद ठीक है, ये लाल होते तक हम इनको भून लेंगे। उसके बाद हम इसको निकाल के अलग से रख देंगे और इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे। और फिर मैंने कढ़ाई रखा हुआ है और इसमें मैंने फिर से तेल डाला और जीरे का छौंका लगाया। उसके बाद प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डाली। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ी सी ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ पर देखिए, मैंने सोयाबीन में पानी डाल के रखा हुआ है ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। अब प्याज भी मेरा भूनते आ गया है, इसका कलर भी आ गया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर डाल के भी हम चला लेंगे। देखिए, उसके बाद इसको हम ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। पकने के बाद देखिए, टमाटर और प्याज दोनों पक गया। और इसमें मैंने ऊपर से डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो डाल भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हो। ये पेस्ट डालकर थोड़ा सा इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। आपको जितना लगता है अपने स्वाद अनुसार डालिए। मुझे जितना लगा मैंने उसके अनुसार डाला हुआ है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोयाबीन जो मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। देखिए, उसके बाद इसको चला लेंगे अच्छी तरह से। इसको चलाए तब तक मसाला ये और सोयाबीन दोनों मिल जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, आपको जितना लगता है। और नमक डालकर हम इसको चला लेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है साविरा किचन। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे साविरा किचन में। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ आलू ताकि सब्जी की ग्रेवी थोड़ी और अच्छी हो जाए। इसको डाल के अच्छी तरह से चला लेंगे। और इसमें डालेंगे हम पानी, क्योंकि मैं सोयाबीन को बना रही हूँ रसे वाली। तो ये देखें, उसके बाद इसको हम ढक देंगे। इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया है। और उसके बाद कुछ देर बाद देखें, मैं ढक्कन निकाल के आपको दिखाती हूँ। सब्जी मेरा पक गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से।